अज जिहड़ी पर्सनैलिटी दे नाल तुहानूं मैं मिलवाउणा है उन्हां ने बहुत ज़्यादा कह सकदे सी कि स्ट्रगल कीता है योगा दे विच। जो लड़कियां मेरे पास मेरी लड़कियां साथ और थी वो बाकी सभी बैकआउट कर गई, लेकिन मैंने कंटिन्यू रखा और मैं नेशनल लेवल पे भी खेली और इंटरनेशनल लेवल पे भी खेली। मैंने योगा 98 में स्टार्ट किया था जी। मेरी मदर इन लॉ हैं, चाहे फादर इन लॉ हैं और चाहे मेरे हस्बैंड हैं, यहाँ तक कि जब मैं कंपटीशन फाइट करती हूँ तो मेरा बेटा भी बहुत कलैप करता है, मुझे अच्छा लगता है। 2003 में मेरी शादी हो गई थी, उसके बाद भी मैंने मेरे ससुराल पक्ष ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरा रंगला पंजाब। रंगला है पंजाब दा विरसा, एक वार ते आके वेखो जरा। ये नेशनल लेवल में भी मेरे साथ गया है और इसने क्लैप किया और मैंने गोल्ड मेडल लिया। मैंने 2011 में चंडीगढ़ पुलिस ज्वाइन किया। मैं 4 बजे उठती हूँ और अपनी 1.5 घंटा प्रैक्टिस करती हूँ, उसके बाद मैं शाम को भी प्रैक्टिस करती हूँ, बीच में अपना सारा मैनेज करती हूँ। ये मैं ट्रेनिंग देती हूँ मॉर्निंग और इवनिंग, ठीक है। ये RTC में मैं पोस्टेड हूँ, ट्रेनिंग सेंटर 26 चंडीगढ़। चाहे मैं सोशल मीडिया पे कहीं भी अपना वीडियो अपलोड करती हूँ या फिर कोई भी एक्टिविटी अपनी अपलोड करती हूँ, तो मैंने अपने सीनियर ऑफिसर से परमिशन ली हुई है। मैं योगा को स्पोर्ट्स का किंग मानती हूँ। सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। मैं थोड़े नाल मनप्रीत खुलर, तुसी देख रहे हो दैनिक सवेरा TV। ते अजकल सोशल मीडिया दा दौर है, ते सोशल मीडिया नू ध्यान च रख के हर चीज़ जिहड़ी है ट्रेंड दे हिसाब नाल कीती जांदी है। फिर चाहे जिम दे अंदर जाके असीं वर्कआउट कर रहे हैं, पर नाल दी नाल रील्स और फोटोज़ पाउणियां बहुत ज़्यादा जरूरी हो जांदियां ने, वर्कआउट पाए होवे भावें ना होवे। पर अज जिहड़ी परसनैलिटी दे नाल तुहानूं मैं मिलवाउणा है, उन्हां ने बहुत ज़्यादा कह सकते असी कि स्ट्रगल किया है योगा दे विच और जिहड़ियां अचीवमेंट्स उन्होंने कीतियां, मैनूं लगता कि बहुत घट तुसीं उन्हां दीआं तस्वीरां और वीडियोज़ देखियां होणियां ने सोशल मीडिया ते। पर जिन्ना भी तुसीं उन्हां दे बारे सुनिया, बिल्कुल सही सुनिया। मेरी मुराद हैगी है सुषमा जी, हैड कॉन्सटेबल, उन्हां दे नाल तुहानूं अज रूबरू कराउंदे आ और जान लैंदे उन्हां दी योगा जर्नी दे बारे कि किस तरह जिहड़ी उन्होंने योगा दे विच इन्नियां सारियां अचीवमेंट्स कीतियां नाल दी नाल अपनी जॉब नूं ध्यान च रखदे होए। बहुत बहुत स्वागत है मैम दैनिक सवेरा ते। थैंक यू। सो बिल्कुल सही बोला मैम, मैं सोशल मीडिया का दौर है, हर कोई सोशल मीडिया नूं ध्यान च रख के काम करता है अजकल। पर तुसी जिस तरह बैक कैमरा साडे नाल गल कर रहे सीगे कि योगा नूं लैके तुसी किन्ने कह सकदे सी कि बहुत एफर्ट्स किए, बहुत ट्रेनिंग्स लईआं, बहुत कोचिंग्स लईआं, सो मैं जरूर जानना चाहूँगी उस दे बारे। मैंने योगा 98 में स्टार्ट किया था जी, मैं 6th क्लास में पढ़ती थी उस टाइम में। थोड़े दिन के बाद मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे, फिर मेरी मम्मी ने मुझे इसमें कंटिन्यू रखा और इसमें मतलब इतनी मेहनत की कि मैं सबसे बैक बच्चा थी। और फिर जैसे मैंने प्रैक्टिस की तो मैंने बहुत दिल और जान से प्रैक्टिस की और मैं सबसे बेस्ट बच्चा रही। जो बच्चे मेरे साथ थे, जो लड़कियां मेरे पास मेरी लड़कियां साथ और थी, वो बाकी सभी बैकआउट कर गई, लेकिन मैंने कंटिन्यू रखा और मैं नेशनल लेवल पे भी खेली और इंटरनेशनल लेवल पे भी खेली। 2003 में मेरी शादी हो गई थी, उसके बाद भी मैंने मेरे ससुराल पक्ष ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया और हर समय मेरे साथ खड़े रहे, चाहे उसमें मेरी मदर इन लॉ हैं, चाहे फादर इन लॉ हैं और चाहे मेरे हस्बैंड हैं, यहाँ तक कि जब मैं कंपटीशन फाइट करती हूँ तो मेरा बेटा भी बहुत कलैप करता है, मुझे अच्छा लगता है। ये नेशनल लेवल में भी मेरे साथ गया है और इसने क्लैप किया और मैंने गोल्ड मेडल लिया, मुझे बहुत अच्छा लगा था उस टाइम। और उसके बाद मैंने 2011 में चंडीगढ़ पुलिस ज्वाइन किया, उसके बाद ऑफिसर्स ने, चंडीगढ़ के ऑफिसर्स ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया और मैंने अपनी मेहनत से, अपनी प्रैक्टिस से उनको
उनकी आशा के अकॉर्डिंग हर बार मेडल दिया। 2017 से ऑल इंडिया पुलिस स्टार्ट हुई योगा की, उसमें भी उसमें अभी तक मेरा कंटिन्यू गोल्ड मेडल है। और चंडीगढ़ पुलिस के ऑफिसर्स हैं वो मुझे पूरा सपोर्ट करते हैं, पूरा मेरे को सहयोग देते हैं। बिल्कुल। सो मैम, जिस तरह से कह सकते हैं कि कुड़ियां दी रिस्पोंसिबिलिटी, लेडीज़ दी रिस्पोंसिबिलिटी मैनू लगता कि बंदियां नालों ज़्यादा होंदी है। जॉब भी करते हो, घर भी संभालते हो, और जिस तरह तुसी अपने पैशन के बारे गल की है कि तुसी किद्दां सिखिया, किद्दां इत्थे तक पहुँचे हो और किन्ने तुसी अवार्ड्स अपने नाम किए ने, ये किन्ना डिफिकल्ट रहा तुहाडे लई? डिफिकल्ट तो बहुत होता है लेडीज़ के लिए, क्योंकि घर संभालना और एक जिम्मेवारी के साथ घर संभालना, उसके साथ बच्चा संभालना, उसके साथ जॉब संभालना और अपने आप को मेंटेन रखना, फिट रखना प्रैक्टिस के लिए। मैं उसके लिए अपने आप को फिट रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए, प्रैक्टिस के लिए मैं 4 बजे उठती हूँ और अपनी 1-1.5 घंटा प्रैक्टिस करती हूँ। उसके बाद मैं शाम को भी प्रैक्टिस करती हूँ, बीच में अपना सारा मैनेज करती हूँ। ओके। सो मैम, ट्रेनिंग्स तुसी किन्ने अपने कोलीग्स नू दिन्ने हो और कड़ी टाइमिंग्स रहिंदियां ने थोड़ियां? ये मैं ट्रेनिंग देती हूँ मॉर्निंग और इवनिंग। ओके। ठीक है, ये RTC में मैं पोस्टेड हूँ, ट्रेनिंग सेंटर 26 चंडीगढ़। वहाँ पर भी जैसे जो भी ट्रेनिंग में आते हैं, प्रमोशन कोर्स में आते हैं, उनको कंटिन्यू क्लासेस मैं देती हूँ, जितने भी प्रमोशन कोर्स होते हैं। अभी थोड़े दिन पहले हमारा 400 का एक लोअर स्कूल कोर्स हुआ था, उसमें भी मैंने योगा क्लासेस दी हैं। और अभी जस्ट एक लोअर स्कूल कोर्स अभी पास हुआ है, उसमें भी मैंने ट्रेनिंग दी है अपने सभी मुलाजिमों को, और उनको बहुत फ़ायदा भी हुआ है। ओके। सो मैम, जिस तरह असी किसी भी डिपार्टमेंट होंगे, किसी भी प्रोफेशन होंगे, उन्होंने बहुत रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे ने जिन्होंने अपन फॉलो करना पैंता है। सो तुहाडा तो जिस तरह का पैशन है, नाल नाल प्रोफेशनल चीज़ा भी तुसी देखनिया ने, नाल नाल अपने पैशन भी कंटिन्यू करना है। सो जिहड़े रूल्स होंगे ने, रेगुलेशन होंगे ने कि यह तुसी नहीं पोस्ट कर सकते, तुसी इत्थे इत्थे हाईलाइट नहीं हो सकते, सो इन चीज़ों बारे तुसी किन्नियां क परमिशनस लईआं, किस तरह तुहाडे जिहड़े ओह एफर्ट्स ने ओह किन्ने क रहे? मैंने डिपार्टमेंट से परमिशन ले रखी है, चाहे मैं सोशल मीडिया पे कहीं भी अपना वीडियो अपलोड करती हूँ या फिर कोई भी एक्टिविटी अपनी अपलोड करती हूँ, तो मैंने अपने सीनियर ऑफिसर से परमिशन ली हुई है कि मैं अपलोड कर सकती हूँ। ओके। सो योगा वैसे तो हेल्थ लिए होंदा ही सब तो बेस्ट है, मैंने लगता है कि आप जिन्हें भी वर्कआउट करते हैं उहदे च अगर देखा जाए तो योगा जड़ा मेंटली, फिजिकली या फिर असी कह लिए कि एक मेडिटेशन का भी काम करता है, योगा सब तो बेस्ट रहिंदा है। सो तुहाडे नाल जिहड़े लोग योगा करते हैं उन्होंने किन्नियां क प्रॉब्लम्स जिहड़ियां ने हल हुई ने, या फिर तुहाडे इदां दे किहड़े टिप्स एंड ट्रिक्स ने जिन्हां दे नाल तुसीं कई लोगों को ठीक किया? मैं आपको मेरे जो थॉट्स हैं योगा के लिए, मैं योगा को स्पोर्ट्स का किंग मानती हूँ और है किंग। आप इसी सोच सकते हैं कि किसी भी स्पोर्ट्स की एक्टिविटी आप करते हैं, शुरू करते हैं, चाहे रनिंग करते हैं, चाहे बास्केटबॉल खेलते हैं, चाहे वॉलीबॉल खेलते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, योगा की एक्सरसाइज करते हैं, बॉडी को स्ट्रेच करते हैं, ओपन करते हैं, तो उसमें योगा की एक्सरसाइज इंक्लूड होती हैं। ठीक है, तो जैसे योगा में मेडिटेशन होती है, मेडिटेशन एक ऐसा पार्ट है जिसे आप कोई भी व्यक्ति कर सकता है। योग की एक खासियत है कि उसे किसी भी उम्र का व्यक्ति कर सकता है। मेडिटेशन एक मेडिसिन का काम करता है, और मेडिटेशन जो व्यक्ति करता है सुबह उठ के करे, चाहे शाम करे, ऐसे ही योगा को भी आप सुबह, शाम, दोपहर कभी भी कर सकते हो। आपने डिफरेंस देखना है कि आपने खाना 3 घंटे तक खाया हुआ होना चाहिए। सेकेंडली कि आप पूछ रहे हैं कि कितने लोग मतलब ठीक हुए हैं, मेरे पास बहुत लोग ठीक हुए हैं कि योगा के द्वारा। किसी को बैक प्रॉब्लम हुई, किसी को यहाँ तक कि बेबी की प्रॉब्लम हुई है, वो भी सॉल्व हुई है। ओके। सो तुसी स्पेशल जड़े एक तरह नाल कैसे कहंदे ने ना कि जड़े गुरु हुंदे ने या टीचर हुंदे ने उहदे कई सानू रूप देखने पैंदे ने, जदों बच्चा काम नहीं करदा या नहीं सीखण दी कोशिश करदा असीं उहनूं डांटदे वी आ। सो तुसी किस तरह दे टीचर हो? मैं डांटने में योगा में आप बॉडी को, जैसे हम उनको सिखाने, बच्चे को सिखाने का अलग तरीका होता है, बड़े को सिखाने का अलग तरीका होता है। बच्चे को आप स्ट्रेच कर सकते हो, खींच सकते हो, लेकिन अगर बच्चे को यदि हम सिखाते हैं तो उसे कितना भी खींच सकते हैं, क्योंकि बच्चा एक मिट्टी का घड़ा होता है, उसे आप जिस भी आकार में ढालना चाहें वो ढल जाएगा। लेकिन जैसे जैसे हमारी एज बड़ी होती है, तो
उसको आप बोन्स को ध्यान में रखते हैं, बॉडी स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए उनको पॉस्चर करेक्ट कराती हैं और धीरे धीरे उसको उसके एक फिक्स आसन में लेके जाते हैं। ओके, सो पुलिस मुलाजमा नु ही तुसी योगा करवाने हो या नॉर्मल भी हर किसी नु? नहीं, अगर कोई मेरे से सलाह लेता है तो मैं दे देती हूँ, बाकी मैं पुलिस ऑफिसर्स को, पुलिस ऑफिशियल जो भी हैं उन्हीं को योगा कराती हूँ। ओके, सो मैम तुसी उन्हां नु की मैसेज देना चाहोगे, क्योंकि अजकल असी देखते हैं कि बहुत लेजी हो गया, असी फोनां दे विच ही ज़्यादा टाइम रहने हैं, वर्कआउट नु इग्नोर करते हैं, पर यह ज़्यादातर देखा जाता कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे असी फिजिकली फिट ना होइए, बहुत सारिया प्रॉब्लम भी होन ते ओदे च वे ही आंदा, सब तो पहला अगर किसी डॉक्टर नु भी मिलदे आ जाके सब तो पहला ही आंदा कि वर्कआउट करो। सो उना लोकां नु तुसी की मैसेज देना चाहुंदे हो जेड़े वर्कआउट इग्नोर करदे ने, ज्यादातर पसंद ही नहीं करदे वर्कआउट करना? देखो, योगा जब आप करते हैं ना, वर्कआउट बहुत जरूरी है बॉडी के लिए, और जब हम सारा दिन मोबाइल के ऊपर या किसी भी गैजेट के ऊपर लगे रहते हैं तो हमारी आईसाइट सबसे पहले मतलब इफ़ेक्ट होती है, ऊपर से बॉडी लथार्जिक हो जाती है, और मोटापा जो आज हमारी जो जनरेशन है उसमें बच्चे, इतने इतने बच्चे आपको हैवी बॉडी में मिलेंगे, और वो सारा दिन गेम खेलते हैं, मम्मी भी क्या करती हैं, मोबाइल देती हैं, खाना खिलाती हैं, ऐसे खिलाती हैं, ठीक है। और स्टडी का तो आप देखो, मोबाइल में स्टडी भी हो रही है, और उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए योगा या कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी वर्कआउट बहुत ज़रूरी है। अगर मैं कहूँ योगा तो बेस्ट है, अगर किसी भी टाइप का कोई भी व्यक्ति करता है, कोई भी बच्चा करता है, नहीं तो आपकी बॉडी कभी भी लथार्जिक होगी, आप एक्टिव रहेंगे, आप खुद पे एक्सपीरियंस करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि योगा की कितनी इंपॉर्टेंस है और आप किस चीज़ से इतने दिन दूर रहे। मैं इसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार करूँगी रामदेव जी का, और मतलब जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने विदेशों में भी इसका डंका बजाया है, उसका मतलब किन शब्दों में धन्यवाद करें, हमारे लिए हमारे पास शब्द नहीं है, कितने दिन से हम, कितने सालों से हम इसके पीछे थे, लेकिन एक जो पहचान बनी है वो योग की अभी बनी है जी। ओके, सो मैम योगा या जब तुसी कोई भी वर्कआउट करते हो, योगा करते हो, उस तो बाद दिन किस तरह का निकलता है, एक्टिवली निकलता है? क्योंकि वैदर अगर आप ध्यान च रख के गल करिए तो बहुत गर्मी है, बड़ा आलस आता है, सो अगर वर्कआउट किया हों तो दिन किस तरह का निकलता है? बहुत अच्छा निकलता है, और आपको बहुत ज़्यादा गर्मी भी फील नहीं होती और बहुत ज़्यादा सर्दी भी फील नहीं होती, क्योंकि आपके बॉडी के जो सेल्स होते हैं वो एक्टिव होते हैं। ओके, सो जाने जाते तुसी की मैसेज देना चाहते हो दर्शकों? मैं सभी को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि सभी योग करें, कोई भी एक्सरसाइज करें, कोई भी गेम जरूर करें और स्वस्थ रहें। सो इसी जी मेरे नाल हेड कॉन्स्टेबल सुषमा जिन्हों के नाल अज गलबात की है वर्कआउट नू लैके, योगा नू लैके, वो सिर्फ अपने मुलाजमान नू नहीं बल्कि हर किसी नू टिप्स देंदे ने, हर किसी नू पर्सनली भी कहते हैं कि तुसी जिहड़ा वर्कआउट आ वह जरूर करो, योगा जरूर करो, क्योंकि एक नहीं बल्कि बहुत सारिया प्रॉब्लम्स तुहानू जिहड़ियां वह छुटकारा मिल सकता योगा करन दे नाल। सो मैनू यानी कि मनप्रीत नू हुण दिओ इजाजत, कैमरामैन दीपक दे नाल, मनप्रीत खुल्ला, दैनिक सवेरा टीवी, चंडीगढ़।